जिले के 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड और अन्य बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्था भी मदद के लिए आगे आई है। इस संबंध में शहर के एक निजी होटल में शुक्रवार की देर रात संवेदीकरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा कि जिला कोरोना मुक्त हो गया है, लेकिन कोविड संबंधित अग्रिम तैयारियां जारी रखनी है, साथ ही अन्य बीमारियों के भी तैयार रहना होगा। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया है कि विश्व फाउंडेशन संस्था 9 सीएससी पर जरूरी उपकरण जैसे फ्रिज, मॉनिटर, नेबुलाइजर, टीवी, इस तरह का उपकरण संस्था ने दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, तो पहले था आज तो दोगुना तिगुना चौगुना हो चुका है, फिर भी लगता है कि हम बहुत ही कम है। एशियन की डिमांड्स, पेशेंट के नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बीमारियां ऐसी चैलेंजिंग बीमारियां आ रही हैं जो हर चीज धत्ता बता रहे हैं। पहले फेज में जब कोविड आया तो ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं है, थोड़े लोग की डेथ हुई, कुछ लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, कि ये हमारे सहयोग में काम कर रहे हैं और भविष्य में भी सहयोग से काम करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। वो बॉर्डर है वो हमारे गोरखपुर का। डॉक्टर साहब मुस्कुरा के हाँ कहिए। एक सहयोगी संस्था है ब्रिज फाउंडेशन, जो बीच बीच में मदद करती रहती है। तो हमारे 9 सीएससी पर उसने कुछ ज़रूरी उपकरण हमें दिए हैं, जिस तरह जैसे कि फ्रिज हो गया और मॉनिटर हो गया और ऑक्सीजनेशन के लिए जो हमारे पास बाईपैप होता है और नेबुलाइजर होता है, तो इस तरह की कुछ उपकरण उन्होंने सप्लाई दिया हुआ है, जिसको इनॉग्रेशन के उन्होंने हैंडओवर किया कल और हमारे सभी 9 सीएससी पर चला गया है, जो कि काफ़ी उपयोगी सामान है। और इस हम ब्रिज फाउंडेशन को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। वो बीच बीच में ये लोग सहयोग हमको करते रहते हैं, इसके लिए उनको हम बधाई देते हैं। और हम आशा करते हैं कि चूँकि ये पब्लिक विभाग से जुड़ा हुआ है, हमारे विभाग में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम भी शासन पूरा करता है, लेकिन कभी कभी कुछ ज़रूरत की आवश्यकता होती तो ऐसी संस्थाएं जो हमारे साथ काम करती हैं, सहयोग करती हैं, तो वो संस्थाएं हमारे पास आती रहती हैं और वो सहयोग करते रहते हैं। ऐसे संस्थाओं को हम धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि ये संस्थाएं ब्रिज फाउंडेशन हमारे साथ में जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो हमारे साथ में खड़े रहेंगे और जनता को और हमारे स्वास्थ्य विभाग को सहयोग प्रदान करेंगे।